जब आपने आवेदन मांगे हैं, कम से कम ऐसे व्यक्तियों का पैनल में नाम होना चाहिए जिन्होंने कांग्रेस परिवार, कांग्रेस पार्टी के लिए जो है अपना जो है जी जान लगा के दिया। उनके पिता स्वर्गीय जय भीलाल खाची किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने देश का नाम ही नहीं, देश का नाम जो है रोशन किया है। मैं समझता हूं उनको नजरअंदाज करना कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 3 टेन्योर में मैडम विद्या स्टोक्स का झोला उठाया और सुनील कुमार सिंह कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 चुनाव उन्होंने विजयपाल खाची के नेतृत्व में मैडम विद्या स्टोक्स में लड़े। ठियोग से चुनाव लड़ा तो विजयपाल खाची ने कांग्रेस पार्टी के देश वफादारी निभाई। देखिए, जब इतने बड़े नेता के पुत्र का नाम ही कंसिडर नहीं किया गया, हम जैसे आम कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं। हमने आवेदन दिया, हमारा जो बायोडाटा अगर आप पढ़ेंगे पत्रकार भाइयों, सबसे अच्छा बायोडाटा हमारा, जमीन से उतर कर उठकर आए, नीचे जमीन स्तर से हमने राजनीति की है। भूषण ज्वेलर्स से खरीदे आभूषण, जीते उपहार, आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर्स सोलन। मैं उज्जवल सेन मेहता, जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 20 कुमार संघ से संबंध रखता हूँ और मैं कांग्रेस परिवार से NSUI से जुड़ा हूँ। 1997 से मैंने छात्र राजनीति से अपना संघर्ष जो है इस पार्टी में शुरू किया है और 2002 में महाविद्यालय संजोली में 17 साल के बाद SFI का गढ़ तोड़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति जो सर मेहता था, जिसने हिमसू से तो एकमात्र सीट वाइस प्रेसिडेंट की जो है संजोली कॉलेज में जीती थी। उसके बाद मैं विभिन्न पदों पर रहा हूँ। आई एम फर्स्ट इलेक्टेड यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट फ्रॉम ठियोग कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो राहुल गांधी जी की मुहिम थी, जो इलेक्शन हुए थे बाकायदा, उसमें ठियोग कॉन्स्टिट्यूएंसी पहला जो है यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा और प्रधान ग्राम पंचायत भूतपूर्व में ग्राम पंचायत मिलंडी का प्रधान रहा हूँ। वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हूँ और पिछली राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार में उनके आशीर्वाद से APMC में 5 साल डायरेक्टर रहा हूँ। गंभीर विषय ये ऐसा क्यों आज जो प्रेस वार्ता मैंने बुलाई है कि पिछले कल हमारे आदरणीय नेता स्वर्गीय जय भीलाल खाची जी के पुत्र विजयपाल खाची जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कुमार सिंह के अंदर की। उनकी बात और उनके जो मैं समर्थन करता हूं, उनके जो तथ्य थे वो सही थे कि उनका आवेदन जो है कांग्रेस पार्टी ने या तो आवेदन लेने ही नहीं थे। जब आपने आवेदन मांगे हैं, कम से कम ऐसे व्यक्तियों का पैनल में नाम होना चाहिए जिन्होंने कांग्रेस परिवार, कांग्रेस पार्टी के लिए जो है अपना जो है जी जान लगा के दिया। उनके पिता स्वर्गीय जय भीलाल खाची किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने देश का नाम ही नहीं, देश का नाम जो है रोशन किया है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट नॉर्थ इंडियन प्रेसिडेंट रहे और PWD मिनिस्टर हो रहे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो रहे राज साहब के टाइम में। तो कांग्रेस परिवार ने जब पहली बार किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है कि उनको जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई तो उनको टिकट नहीं मिला, आगे पोतों को टिकट मिल गया, रोहित भाई, रोहित ठाकुर जी को समय टिकट मिला, लेकिन विजयपाल खाची जी को उस टाइम भी दरकिनार किया गया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 3 टेन्योर में मैडम विद्या स्टोक्स का झोला उठाया और सुनील कुमार सिंह कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 चुनाव उन्होंने विजयपाल खाची के नेतृत्व में मैडम विद्या स्टोक्स में लड़े। ठियोग से चुनाव लड़ा तो विजयपाल खाची ने कांग्रेस पार्टी के देश वफादारी निभाई। मैं समझता हूं उनको नजरअंदाज करना कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है ऐसे ईमानदार व्यक्ति का। कम से कम आवेदन आप भेजिए, बाकी हाईकमान जो फैसला लेगा वो उनके लिए। हाल ही में भाजपा की जो है एक महिला भी इंदु वर्मा भी कांग्रेस में शामिल हुई है, और क्या उनको जो है टिकट मिलता है तो क्या आप उनके साथ साथ चलेंगे या फिर उसका विरोध करते हुए नजर आएंगे? चलो देखिए, जो भी पार्टी में आता है उसका हमेशा स्वागत है। उनके स्वर्गीय जो राकेश वर्मा जी थे वो NSUI में रहे, ऐसा नहीं है कि इंदु वर्मा जी के लिए कोई। कांग्रेस पार्टी हाईकमान, मैं ये समझता हूँ कि सोच समझ कर जो सर्वे है उसको सोच समझ कर कार्यकर्ताओं के जो है उनके कार्यकर्ताओं के जो मनोबल को बढ़ाने वाली बात करनी चाहिए। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, किसी का विरोध करना चाहूंगा। आवेदन तो आपके द्वारा भी भरा गया है। देखिए, जब इतने बड़े नेता के पुत्र का नाम ही कंसिडर नहीं किया गया, हम जैसे आम कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं। हमने आवेदन दिया, हमारा जो बायोडाटा अगर आप पढ़ेंगे पत्रकार भाइयों, सबसे अच्छा बायोडाटा हमारा, जमीन से उतर कर उठकर आए, नीचे जमीन स्तर से हमने राजनीति की है। हमने आवेदन इसलिए किया कि हमें पता था इस बार हमारा जो है वो देखा भी नहीं जाएगा, कम से कम 2027 में कांग्रेस पार्टी एक कार्यकर्ता का आवेदन तो देखेगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। जिस तरह से कांग्रेस के अपने ही कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी का विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है चुनावी वर्ष में ये सारी परिस्थितियां जो है कांग्रेस के हाथ में जाएंगी? देखिए, कांग्रेस परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है, हर परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपको पता है
बिन मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। इसलिए हमारा अपनी पार्टी से मांग है, कोई विरोध नहीं है, सिंपल एक मांग है अपनी पार्टी से कि परिस्थितियों को समझो। अगर 2022 में सत्ता में कांग्रेस पार्टी ने आना है तो एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो पार्टी से जुड़ा है और जो धरती का मतलब ग्रास रूट जो मतलब नेता है उसको दिया जाए। मेरी अपनी विचार, हर परिवार में लड़ाई झगड़ा चला रहता है, कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी नहीं करें। हम तो अपनी मांग रख रहे हैं, जो हम अपनी मांग रख रहे हैं कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, या तो अभी लेते ही नहीं। अगर आपने दो चार नाम ही गिने चुने नाम जो है वही अगर पैनल में डाले तो फिर क्यों किसी कार्यकर्ता का आपने दिल दुखाया, ये मेरा कहना है।